में दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। झारखंड में नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ाया रेलवे ट्रैक, टला बड़ा रेल हादसा। रांची, झारखंड के राजधानी से सटे खलारी में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार राई खलारी रूट पर क्षतिग्रस्त ट्रैक पर मालगाड़ी के जाने से उसके 23 डिब्बे पटरी से उतर गए। कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने रेलवे पटरी को विस्फोट कर उड़ाया था। इस हादसे में इंजन, ड्राइवर और गार्ड को गंभीर चोटें आई है। ये पूरा मामला धनबाद रेल मंडल के राई और खलारी स्टेशन के बीच का है। इस हादसे में इंजन, ड्राइवर और गार्ड को गंभीर चोटें आई है। बोगियों पर कोयला लदा हुआ था। अमूमन ट्रेन हादसे में 8 से 10 घंटे में रेल लाइन को चालू कर दिया जाता है, लेकिन धनबाद रेल मंडल की ओर से कहा गया कि इस रेल ट्रैक ठीक करने में 48 घंटे लगेंगे। रेल अधिकारियों ने कहा, अगर पैसेंजर ट्रेन गुजर रही होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इधर रांची रेल मंडल परिचालन के वरीय पदाधिकारी नीरज कुमार ने घटना की पुष्टि की। बता दें कि इस हादसे की वजह से दिल्ली से रांची आने वाली गरीब रथ और जम्मू तवी एक्सप्रेस प्रभावित हुई है। इन दोनों ट्रेन को टोरी की तरफ से रांची लाया जाएगा। कई अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। इस हादसे के बाद मालगाड़ी के कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर जा गिरे, जिसके बाद उस ट्रैक से गुजर रही एक अन्य मालगाड़ी ने उस डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इसमें दूसरी ट्रेन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अफवाह ये उड़ी कि दोनों ट्रेनों की टक्कर हो गई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।